फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है जहां साइको किलर ने 9 लोगों को गोली मार दी है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। अलग अलग जगहों पर उसने गोलीबारी की है। चकिया के थर्मल गेट के पास 3 लोगों को उसने गोली मारी, उसके बाद बछवारा के गोधना में 3 लोगों को वहां भी उसने गोली मार दी और तेघरा में 2 लोगों को गोली मारी है। एक ही शख्स पर गोली चलाने की आशंका है कि ये सभी घटनाएं जो है वो एक ही शख्स ने अंजाम दी है, उसमें एक की मौत हो चुकी है और 8 लोग घायल हुए हैं। तो बेगूसराय से यह बड़ी खबर आ रही है, एक साइको किलर के बारे में जानकारी मिल रही है जिसने 9 लोगों को अलग अलग जगह पर जाकर गोली मारी है और उसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय के चकिया के थर्मल गेट के पास उसने पहली घटना को अंजाम दिया, 3 लोगों को गोली मारी, बछवारा के गोधना में भी 3 लोग और तेघरा में 2 लोगों को गोली मारी है उसने। और राजीव जी मीडिया संवाददाता बेगूसराय से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव बताएं क्या जानकारी मिल रही है। देखिए अगर गोली लगने की बात करें तो अब तक 9 लोगों को गोली लग चुकी है, लेकिन यह संख्या बढ़ भी सकती है और अभी जो सूचना मिल रही है कि 11 लोगों को गोली लगी है जिसमें एक की मौत हुई है। बेगूसराय के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी। लोगों का कहना है ये तो आतंकवादी की तरह दहशत फैलाए गोली चलाते चले गए। पुलिस से जब बात की गई तो इस विषय पर एसपी ने कहा कि अभी 5 लोगों को गोली लगी है, शहर की नाकाबंदी की गई है, तमाम जिलों के थानों को अलर्ट किया गया है, सब जगह नाकेबंदी की गई है और सीसीटीवी फुटेज बछवारा में दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति फायरिंग कर रहा है, तो इसकी पहचान की जा रही है और पहचान होने के बाद शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। अभिषेक बिल्कुल राजीव, ये जो बताया जा रहा है कि वही शख्स है जिसने सभी जगह पर गोली, क्या ये पुख्ता तौर पर प्रमाणित हो गया है कि जहां जहां भी घटना हुई है वही लोग हैं? इस घटना से जहां जिले में दहशत है वहां पुलिस भी हैरान है। एसपी की तरफ से ये बात आ रही है कि हाँ। जो घटना घटी है वह एक ही 2 ही युवक के द्वारा यह सारे जगह, यह चाहे चकिया से लेके बछवारा तक इन्हीं लोगों के द्वारा यह घटना घटित हुई है। आगे अब यह जांच का विषय है कि यह कौन है और इसकी मंशा क्या थी, लेकिन एसपी के द्वारा यही बताया जा रहा है। अभिषेक जो हथियार हैं, चूंकि पुलिस सीसीटीवी एक जगह फुटेज जो है वो मिल गया है, एक जगह का फुटेज खंगाल रही है, तो उससे पता चला है कि वो हथियार क्या है? कोई रिवॉल्वर है या फिर कोई हथियार, घातक हथियार दूसरा है, कौन सा हथियार है उनके पास? देखिए अभी जो घटना घटी है इसमें पुलिस कुछ विशेष कह नहीं पा रही है और जो उनके तरफ से जो बातें आई है वह हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यह नहीं बताया गया है कि वह कौन सा हथियार था। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा तब ये बातें सामने आएगी कि हो सकता है कि यह कौन युवक था और यह इस घटना को किस लिए अंजाम दिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने आप में एक बड़ी घटना, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है वो 9 लोग जो थे घायल उनकी जगह अब 11, एक की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं और बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर सवार हैं और वो गोली चलाते हुए अलग अलग इलाकों में गए हैं और कई लोगों को उन्होंने गोली मारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।